ऑल क्रेडिट गोज टू माय फ्रेंड। अच्छा टाइम लग गया आने में यहाँ पे, तो अच्छे से फंस चुके हैं। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज अपन चल रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि पिछले बार जब आया था तो उसको मैं नहीं कर पाया था। कोई नहीं, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड तिरुपति है, जो वही टूर करवाने वाला है पूरा। अब गोवर्धन चौराहा से जुगाड़ से अपन आ गए थे आधे रास्ते, और देन ऑटो पकड़े, फिर वहां से आ गए गोवर्धन पर्वत के पास, और देन अभी स्टार्ट करते हैं परिक्रमा की। तो भाई अब अभी के बज गए एक, और तुम धीरे चलो, और यहाँ से स्टार्ट हो गई अपनी परिक्रमा, और देखते हैं अभी कितने घंटे में खत्म होती है। सो लेट्स बिगन आवर परिक्रमा। सो ये जो परिक्रमा हो रही है, ये ऑल क्रेडिट गोज टू माय फ्रेंड तिरुपति शर्मा, जो आ जाएगा क्यूटेस्ट फ्रेंड है ये अभी तक का, सबसे मस्त फ्रेंड। और अभी ऐसे मेरा कोई प्लान है यहाँ आने का, पर ये बंदा ने इसे बाहर जाना भैया नहीं, तो आ गए। प्लान था क्या, मतलब यहाँ बिहार से दिल्ली था, पर अचानक इसने कॉल किया, फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा। क्योंकि पिछले बार जब आया था ना, तो सारा चीज़ तो हो गया था पर परिक्रमा नहीं हुआ था, देन आज वो भी कंप्लीट हो गया, होने वाला है। अब हम रखे थे वीडियो बनाने के लिए, बाइक वाला लेकर भाग। ये हमारी पहली हॉल्ट है अप्रॉक्स 10 किलोमीटर चलने के बाद, और भी अभी 11 किलोमीटर बची हुई है। मीटर पहले हो गई अपनी आधी परिक्रमा खत्म, परिक्रमा ही बोलता है ना, 100 मीटर पहले हो गई थी अपनी आधी परिक्रमा खत्म, और आगे का जर्नी स्टार्ट कर। अभी मतलब ऑलमोस्ट परिक्रमा खत्म हो गई अपनी, और 3 किलोमीटर बची हुई है। सो अपनी कंडीशन बताऊं तो सही है, मतलब ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, पैर वैर दर्द कर रहा है, ये नॉर्मल है, पर ज़्यादा दर्द नहीं कर रहा है। सबसे मेन बात है, 1 बजे हमने स्टार्ट किया था और 5 अभी बज रहा है, और आधे घंटे या 45 मिनट में अपन परिक्रमा ख़त्म कर लेंगे। अपनी हो गई परिक्रमा ख़त्म, और अभी चल रहे हैं ऑटो पकड़ने के लिए, पर हम लोग का कोई आइडिया नहीं है ऑटो वोटो किधर से मिलने वाली है। आगे जाके शायद ऑटो या टोटो मिल जाए। तो यहाँ पे अपनी पूरी तरह से ख़त्म हुई परिक्रमा, और चलते हैं अभी रूम पे। और अभी भाई साहब पता नहीं है ऑटो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। अभी किसी ने क्या है, क्या अभी थोड़ी हमें यहाँ पे लेट हो गया, जिसकी वजह से अभी कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, तो अभी हम लोग अच्छे से फंस चुके हैं। जो कि यहाँ से छाता लगभग 25 किलोमीटर है, और हमें जाना पड़ेगा अभी मथुरा लगभग यहाँ से, मतलब थोड़ा घूमा के है, पर कोई दिक्कत नहीं, अगर मथुरा चलते हैं ना बहुत घूम के आना पड़ेगा अपने को, और छाता चलते हैं तो डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। तो अभी देखते हैं क्या अभी बस स्टैंड चल रहे हैं, और वहाँ देखते हैं कौन सी बस वगैरह मथुरा के लिए। हेलो, एट लास्ट मथुरा में बस मिल गई हमें को, अपने को।
और वहाँ देखते हैं ऑटो ऑटो मिलते। चलो मथुरा तो पहुँच गए, अब देखते हैं आगे की क्या प्लान है। गाड़ी यहाँ से ऐसे नॉर्मली कल आया था तो यहाँ मिल गई थी, और अभी देखते हैं मिलती है या नहीं। छाता के लिए भी गाड़ी मिल गई है अब तो भाई पहुँच गए अब छाता। अच्छा टाइम लग गया आने में, यहाँ पे 2 घंटे लगे यहाँ पे आने में। किधर चलना है? चलो अब ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, बाय। अब जाके भाई साहब पैर बहुत दर्द करने लगा, मतलब चलने में नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। सो कैसे भी करके रूम चलते हैं, चलने में तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा। खा लो तुम। ओए तिरुपति।